हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा है मुझे। और कल का सफ़र और कर लिया ना, तो और ज़्यादा मेरी हालत डाउन हो गई। वहाँ से आई तो सोना ने और एक और काम बढ़ा के रख दिया। उसको है ना, बच्चा मैंने वीडियो में पहले शायद बता रखा है आप लोगों को, छोटा सा कुत्ते का बच्चा है ना, उसने सोना की उंगली में काट लिया है। तो कल वहाँ से आई है जेन से दिखा के, और उसका टेंशन हो गया। फटाफट बुरखा पहना, फिर उसको इंजेक्शन लगवा के आई। अभी फिर मैं जल्दी उठी हूँ ताकि ना उसको डॉक्टर को दिखाऊँ, क्योंकि जो इंजेक्शन लगते हैं ना, वो सरकारी में लगते हैं, कुत्ते के जो काटे हुए रहते हैं वो। तो गई, फटाफट उठी, चाय बना के मैंने पी ली है। किचन में कल गई थी ना, देखो किचन में फैला हुआ, देखो अब कितना पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ पड़ा है। तो शिव रहता है ना, सब काम टिप टाप करके रख देता है। इन दोनों को इतना समझ में नहीं आता। यहाँ कल के बुरखे वगैरह में आई कपड़े ये सब धो लेती हूँ। तो गई, किचन साफ कर लिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब उधर रख दिया। स्टैंड अभी पोछा लगाना है, देखो पानी गिरा पड़ा। तो गई, जो मैं ये ऊपर आई हूँ, चूने का अभी कसर लेटी हुई करता है थी, तो दो और सोना बारा है ना, अभी देखो इंजेक्शन लगवा है तो के, मत लगाना, माना जाना है। इंजेक्शन लगवा के आया है गाइस। अभी दो लगे हैं कंधों पे लगे, और ऐसी ऐसी भीड़। तो गाइस लगवा के आ गया है इंजेक्शन। सोना को है ना दो कंधों पे लगे हैं, और दो कल अभी कब लगेंगे बेटा? 14 तारीख को फिर दो लगेंगे। तो ये और घर अभी बैठे इतना नई देर मुसीबत आ बताया गई। उन्होंने कि 9 से 1.5 के बीच में, क्या बताया? 14 को 9 से 1.5 के बीच में जाना है। तो मैं बोल रहा भाई से 9-10 बजे तक चले जाऊंगा। कुत्ते ने काटा गाइस, इसीलिए तो मिल पूछ जाएगा रही तो एक तो है ना मेरी तबीयत खराब थी, ऊपर से इसने मुझे टेंशन दे दिया। और तो फटाफट ये कपड़े डाल देती हूँ पहले। डाल दिए हैं गाइस, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बुरखे ही हो गए थे दो दो, तो अस्पतालों के। और ये कल के कपड़े मोजे हो गए, दो तीन जोड़ धोने के, वहाँ अस्पताल के भी थे, तो दो ही बुरखे मेरे बिना धुले हो गए। देखो धोए मैंने फिर। तो गाइस यहाँ मैंने मीठी थूली बनाई है, क्योंकि रोटी मेरे से बिल्कुल नहीं खिलेगी, तबीयत खराब है। तो और इसलिए मैंने थोड़ी सी ना गुड़ डाल के और लौंग का बघार दे के थूली बघार ली है। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, तो यहाँ थूली ले ली है मैंने अपने लिए, दूध और थूली है। तो गैस 5 बज चुका है, और मैं सो रही थी, क्योंकि दवाई गोली खाई ना, तो पता नहीं अजीब सा लग रहा था, घबराहट जैसी हो रही थी। तो सोना को उठा देती हूँ, वो भी सो रहा है, उसको भी दो इंजेक्शन और लगे, दो रात को लगे थे, दो अभी लगे। अभी संक्रांति है ना आ रही ना इनके, तो सामने से लड्डू आए थे, तो ऐसे कैसे ही रखे हुए, किसी ने खाई ही नहीं, थोड़ा सा किसी ने टुकड़ा तोड़ा है इसमें से। तो यहाँ सोना उठ के बैठ गया। नहीं हो बेटा, हिम्मत तो मत जा रहे ने दे। और देखो इंजेक्शन है ना, ऐसे डरता ही हूँ तो लगवाने में, लेकिन अभी पता था ना कुत्ते ने काटा है, तो डर गया ना, तो खुद लगवा के आ रहा है अभी। इस यहाँ मैंने चावल बघार दिए, और इधर दाल भी चढ़ा दी है। तो ये देखो मसाला का बना रही थी मैं, प्याज उरी काट रही थी, और यहाँ चावल मंगाए मैंने, भी चावल ख़त्म हो गए थे। तो गैस नीचे खाना बन रहा है, और मैं कपड़े उठाने आ गई हूँ छत पे से, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे पूरे मौसम, अभी ठंडा है ना इसलिए। कपड़े उठा लिए गाइस, और बहुत सारे कपड़े हो गए, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही ले जाने की। मैंने तो अपने मोजे निकाल लिए और स्वेटर निकाल लिए। तो गाइस नीचे आ गई, और स्वेटर वगैरह पहन ली, मोजे हो रही है, और यहाँ पे चावल बन चुके हैं देखिए। तो बस अब दाल में बघार लगाना है, दाल भी हो चुकी है, गैस बंद कर देती हूँ।
तो गाइस हम खाना खाने बैठ गए हैं और खाने में मैंने दाल चावल बनाई है तो लेटी हुई थी मैं तो आराम से बिस्तर में, पर अब खाने का टाइम हो गया है, 9 बज चुका है तो खाना खा लेते हैं। यहाँ मैंने खून में ही दाल चावल उतार लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो का यही एंड करते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।